तो दोस्तों अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया की रिलीज डेट कोरोना वायरस के चलते पोस्टपोन होती जा रही थी, लेकिन अब मेकर्स ने डिसाइड कर लिया कि वो अगस्त में अपनी इस फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पर ही रिलीज करेंगे। इस फिल्म में अजय देवगन के अलावा नोरा फतेही, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर और एमी विर्क जैसे बेहतरीन कलाकार हैं। फिल्म 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होने वाली है और गुरुवार को मेकर्स ने फिल्म का नया पोस्टर जारी कर दिया है। फिल्म का ट्रेलर 4 दिनों में रिलीज किया जाएगा, यानी कि 12 जुलाई को फिल्म का ट्रेलर रिलीज होने वाला है। फिल्म के नए पोस्टर की बात करें तो इसमें अजय देवगन, सोनाक्षी सिन्हा, संजय दत्त, शरद केलकर और एमी विर्क नजर आ रहे हैं। पोस्टर को अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर करते हुए अजय देवगन ने कैप्शन लिखा, द वॉर ऑफ गट्स एंड ग्लोरी। ट्रेलर 4 दिनों में आउट होगा। फिल्म को अभिषेक दुधैया ने डायरेक्ट किया है। फिल्म भुज द प्राइड ऑफ इंडिया 1971 की भारत पाकिस्तान की लड़ाई पर बनी है। इस फिल्म में अजय देवगन स्क्वाडन लीडर विजय कर्णिका का रोल कर रहे हैं। संजय दत्त रणछोड़ दास पागी के रोल में है। एमी विर्क विक्रम सिंह के किरदार में है। सोनाक्षी के किरदार का नाम है सुंदरबेन जेठा। वहीं नोरा फतेही हीरा रहमान नाम का किरदार निभा रही है। फिल्म की कहानी अभिषेक दुधैया, रमन कुमार, रितेश शाह और पूजा भवोरिया ने मिलकर लिखी है। फिल्म 13 अगस्त को डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर रिलीज होगी। तो दोस्तों आपको यह इन्फॉर्मेशन कैसी लगी है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देता रहता हूँ। मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।